अफगानिस्तान में तालिबान की वजह से कोहराम मचा हुआ है। तालिबान के बढ़ते कदम अफगानिस्तान के आम लोगों की खुशियों को कुचल रहे हैं। लोग परेशान हैं, लेकिन करे भी तो करे क्या। अभी हाल ही में कुछ ट्रांसलेटरों की हत्या ने भी लोगों के अंदर भय पैदा किया। ये ट्रांसलेटर अमेरिकी सेना के लिए काम किया करते थे, जिन्हें तालिबानी आतंकियों ने चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया था। लेकिन अब इन ट्रांसलेटरों के लिए अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाया है। अफगानिस्तान में अमेरिकियों के साथ काम करने वाले अफगानी ट्रांसलेटर और अन्य लोगों को निकालने वाली पहली उड़ान वाशिंगटन के डेलस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी। इसी के साथ कुल 200 अफगानों को एयरलिफ्ट करके नया जीवन देने की शुरुआत अमेरिका ने की। ये जानकारी अमेरिकी सरकार के एक आंतरिक दस्तावेज और एक वाणिज्यिक फ्लाइट ट्रैकिंग सर्विस से मिली है। अमेरिका के लिए काम करने वाले अफगानों को विशेष आवर्जन वीजा मुहैया कराया जा रहा है। इसके तहत अफगानी परिवारों को अमेरिका में बसाया जा रहा है। ऑपरेशन एलाइज रेफ्यूजी के तहत 50,000 या उससे अधिक लोगों को अफगानिस्तान से सुरक्षित निकाला जाएगा। इन्हें अमेरिका या किसी तीसरे देश में सुरक्षित प्रशय दिया जाएगा। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ सालों की सैन्य कार्रवाई में अमेरिकी सैनिकों और नागरिकों के साथ काम कर चुके पूर्व अनुवादकों और अन्य लोगों को अब अफगानिस्तान से सुरक्षित बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रिपोर्ट की माने तो अफगानिस्तान में तालिबान एक बार फिर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लग सकता है कि वहां प्रोविंशियल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट समेत कुल 421 जिलों में से 320 पर तालिबान हावी हो चुका है। 75 शहरी और 160 से ज्यादा ग्रामीण इलाकों में तालिबान ने कब्जा कर लिया है। हालांकि तालिबान की क्रूरता पर अंतरराष्ट्रीय मीडिया में लगातार चुप्पी बनी हुई है। तालिबान के खात्मे के उद्देश्य के साथ शुरू हुए इस जंग में अमेरिका ने 20 वर्षों के दौरान $2 trillion यानी लगभग 2,00,000 करोड़ खर्च किए। इतना ही नहीं, इस जंग में अमेरिका के 2400 और नाटो देशों के लगभग 700 सैनिकों की जान गई। वहीं अफगानिस्तान की सेना के 60,000 जवान और 40,000 नागरिकों को भी जान से हाथ धोना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।